दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सपने में अगर आप घोड़ा की सवारी करते हुए स्वयं को देखते हैं तो ये किस तरह का सपना होता है। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना है। जब आप देखते हैं कि आप सपने में घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो इसका जो महत्व निकलता है, इसका जो मतलब निकलता है, काफ़ी गहराइयाँ होती है उसमें, काफ़ी महत्वपूर्ण ही मतलब इसका निकलता है घोड़े की सवारी करना। सपने में आप देख रहे हैं कि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं स्वप्न में, तो इसका बहुत ही साधारण सा मतलब है कि आप अपने जो अनियंत्रित समय आपके चल रहे थे, जिसकी वजह से भांति भांति प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, वो अनियंत्रित समय आपके बहुत ही जल्द ठीक होने वाले हैं। अपनी समय की अनियंत्रितताओं को आप निश्चित करने वाले हैं और अपने अनियंत्रित समय पर काबू पाने की ओर संकेत कर रहा है ये सपना कि आप अपने अनियंत्रित समय पर काबू पाएंगे। इसमें भांति भांति प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, भांति भांति तरह से आपके फायदे हो सकते हैं आपको। आप लेकिन स्वप्न में आप ऐसी अवस्था में देख रहे हैं कि आप किसी घोड़े पर बैठते हैं, चढ़ते हैं, उसके बाद घोड़े को दौड़ा रहे हैं, उसका लगाम अपने हाथों में रखे हैं और सही तरीके से दौड़ा रहे हैं, तो इसके सारे परिणाम शुभ ही होते हैं कि धन प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, किसी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत आपको लंबे समय से थी तो आपके भाग्य के समर्थन की वजह से आपको वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन घोड़ा का लगाम आपसे नहीं संभल रहा है तो संकेत करता है कि नुकसान हो सकता है, वो भी धन का।